नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। सभा थोड़ा सा अलग चीज पर बात कर रहा हूं। सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला कि वो जितने इस तरह के ट्वीट्स हैं उन लोगों के अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाए जो आंदोलनों को सपोर्ट कर रहे हैं। एलन मस्क ने वो उनका जो सरकार का पत्र है वो दबाव जो है उसको एक्सपोज कर दिया। साथ ही ये लिखा कि हम मान रहे हैं आपकी बात, क्योंकि आपने उसमें बताया है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे कर्मचारियों पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी, पर हम इसको प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानते हैं। राजीव जी, आप ये बताइए कि ट्विटर के भारत में केवल 3.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 3.25 करोड़, क्यों इतनी डरी हुई है ये सरकार केवल ट्विटर से, फेसबुक से, जिनके की कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है और जिन पर दबाव डाला जा रहा है? गोदी मीडिया का जो सबसे बड़ा चैनल है हिंदी का, उसके 3 करोड़ घरों में देखा जाता है। 3 करोड़ घरों का मतलब है 15 करोड़ लोग देखते हैं। 55% उसका शेयर है टोटल व्यूअरशिप में। आप क्या मानते हैं कि ये जो गोदी मीडिया के जो इतनी बड़ी ताकत है वो क्यों नहीं काम कर पा रही है? 3 करोड़ घरों में अगर केवल एक चैनल देखा जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा हिंदी गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है और 55% उसकी शेयरिंग है जी। गोदी मीडिया की जो मदद है वो खत्म हो गई है। मैं मतलब जो मूल मुद्दा है उस पर आ रहा हूं। बिल्कुल, उसका प्रभाव खत्म हो गया। जैसे आप लगातार एंटीबायोटिक लेते रहें तो एक सिचुएशन पे एंटीबायोटिक का असर भी खत्म हो जाता है। आपने गोदी मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि अब लोगों ने उस पर यकीन करना बंद कर दिया। आपके 50 लाख सब्सक्राइबर क्यों हैं? मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये बड़ी बात है। इसका मुख्य कारण यह है कि दुनिया भर में ट्विटर के 56-58 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और ये हुकूमत डरती है इसकी दुनिया में जो इमेज खराब हो रही है उसको लेकर। पूरी दुनिया को पता चल रहा है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद में बहस हो रही है, जो वो एक फार्मर को जो गोली लगी जिसको जिसकी मौत हुई उसको लेकर वहां सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री बंगाल जा रहे हैं और वहां शायद 2 या 3 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं और 24 परगना भी जाएंगे और 24 परगना में संदेश खाली का पूरा मामला है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अमित शाह ने अपनी बंगाल यात्रा कैंसिल कर दी, कोई कारण नहीं। कारण यह बताया गया है मीडिया में कि भाई वो चाहते थे कि जो वहां का वहां के जो बीजेपी के लोग हैं उनका अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो और वो अपने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें लगे रहे। तो फिर प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो 24 परगना संदेश खाली तो नहीं जाएंगे, पर 24 परगना में ऐसी जगह जाएंगी जहां वहां के पीड़ितों से मिलेंगे। इनके पास अब केवल बंगाल बचा है और आपने देखा कि संदेश खाली में बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल के 70% हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए और वहां की 42 सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा जो वहां मुद्दा बनने वाला है बीजेपी के लिए कि वो अपनी सीटों को बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है बंगाल में।
वहां जिस तरह की स्थिति है बंगाल में, बीजेपी के पास इस समय 18 सीटें हैं जी, जो कि कम नहीं होती है भैया, इसमें से 18 सीटें, और टीएमसी के पास 22 सीटें हैं। तो ये अब जो लड़ाई है ना, आपने देखा कि जुडिशरी का जो रुख है जी, हाल के दो फैसलों में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और चंडीगढ़ के मेयर का जो इलेक्शन है, आप अगर सोचिए कि अगर वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनका प्रोसिक्यूशन हो जाता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन पर मुकदमा चलता है, उनको सजा हो जाती है चुनाव के पहले, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और चंडीगढ़ का जो चुनाव है उसको लेकर जिस तरह की चर्चाएं पूरे के पूरे देश में और दुनिया में हुई है, उसने जो बड़ा सवाल खड़ा किया है वो ये किया है कि अगर आप केवल 20 वोटों में इतना बड़ा घपला कर सकते हैं तो पूरे देश में कितना बड़ा घपला कर सकते हैं। तो ये जो दबाव है, चौतरफा दबाव है, मतलब जो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि इस समय जब जो दबाव खड़ा हो गया है वो सरकार की बर्दाश्त के बाहर है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के सामने और देश के सामने, वो अगर उसका, वो अगर हम पूरी तरह से विपक्ष उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए राहुल गांधी इस चीज को जानते हैं, आपने देखा भी है क्या कहा उन्होंने, अगर साथ नहीं जुड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, उनकी जो आखिरी लाइन है राहुल गांधी के ट्वीट की वो यही तो है ना कि जुड़ेंगे तो बचेंगे, बिल्कुल बिखरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा, और जो आक्रामकता आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की, आपने जो दिखाई अभी, जो उनकी पूरी मुरादाबाद में जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया, पूरी पूरी एक लॉबी लगी हुई थी कि राहुल में और प्रियंका में मतभेद हो गए हैं और तमाम चीजें हो गई हैं, और उसको लेकर उन्होंने पूरा का पूरा मामला ध्वस्त कर दिया। ये सरकार अब अपने लास्ट लेग पर है और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो इसलिए ये जो मौका है और ये जो विश्राम है, जो कुछ दिन का, इसमें राहुल गांधी कैम्ब्रिज भी जा रहे हैं, वो दिल्ली में भी हैं, इस दौरान देश की राजनीति किस तरह की करवट लेती है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। एक चीज आपको और हमको सबको ये समझना है कि अगर विपक्ष इतनी ताकत लगाकर लगा हुआ है तो क्या सरकार चुपचाप देखती रहेगी या मोदी जी चुपचाप देखते रहेंगे? वो क्या रिटेलिएट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो भी देश देखेगा, क्योंकि ये अब लड़ाई जो है वो एक चुनाव की तारीखों के घोषणा के पहले के दौर में है, घोषित होते ही सारी की सारी चीजें बदल जाएगी। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गर्ग साहब, कि चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चीजें बहुत सारी बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो ये 15 दिनों का समय है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं 15 दिन के समय में हम देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, अभी कुछ दिनों में हम लोग और दूसरे राज्यों के जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातें हम सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीए की बात भी लगातार हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है जिसके बारे में कोई खबर नहीं आती है। जरा आपसे एक सवाल और भी करना चाह रहा था, जो महाराष्ट्र की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाल तो हम सामने देख रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र है उसको कैसे आप देखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दो बड़ी पार्टियां, जो उसमें से एक पार्टी शिवसेना जो पिछली दफा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, उसमें दो फाड़, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे, लेकिन कांग्रेस एनसीपी में भी, महाविकास गाड़ी का एक हिस्सा भी, उसमें भी दो फाड़, तो ये दो दो फाड़ होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि यहां इंडिया गठबंधन के लिए, मैं एनडीए के लिए नहीं कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन के लिए कुछ विन विन सिचुएशन नजर आता है क्या, क्या कुछ खबरें आपके पास आ रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त सिचुएशन है इंडिया अलायंस के पक्ष में, बीजेपी के पास वहां 23 सीटें हैं इस समय 48 में, और
शिवसेना जो कंबाइंड थी वो 18 सीटें थी। अब ये जो संकट है बीजेपी के सामने, सबसे बड़ा संकट ये है कि एनसीपी को तोड़ लिया उन्होंने, शिवसेना को तोड़ लिया, क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि एनसीपी के पास जो सीटें हैं वहां 4 सीटें हैं कुल 48 में। अब सीटें देना पड़ेगी 48 में, अजीत पवार गुट को भी देना पड़ेगी। पहले एनसीपी लड़ा था महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ, अब इनको 48 सीटों में एनसीपी को भी देना है, अजीत पवार को भी देना है, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि वही असली एनसीपी है, एकनाथ शिंदे के पार्टी को असली शिवसेना बता दिया गया है। तो 48 सीटों में अजीत पवार को कितनी मिलेंगी, अठावले की पार्टी को कितनी मिलेंगी और एकनाथ शिंदे को कितनी मिलेगी और बीजेपी कितनी रही? आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर शरद पवार ने तो कह दिया कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर एनडीए की कोई अंडरस्टैंडिंग आपको सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र में दूसरा ये कि अभी जो आंदोलन हुआ था मराठवाड़ा में मराठों के रिजर्वेशन को लेकर, जो 10% इन्होंने दिया है वो जरांगे पाटिल ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा हमको अलग से नहीं चाहिए, हमको आप जो ओबीसी में जो 27% है उसमें हमको चाहिए। ये लोग ओबीसी में देना नहीं चाहते क्योंकि अलग से अगर देंगे तो उसको चैलेंज कर दिया जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो लिमिट है उसको वायलेट कर रहे हैं। और वहां का जो ओबीसी है इस समय पूरी तरह नाराज है मराठों को रिजर्वेशन देने के, और महाराष्ट्र कैबिनेट में छगन भुजबल उसका विरोध कर रहे हैं। ये सरकार बहुत जबरदस्त संकट में महाराष्ट्र में फंसी हुई है और पूरी की पूरी सिंपैथी इस समय, आपने देखा कि वहां जितने उपचुनाव हुए उसमें शिवसेना के और कांग्रेस के लोग जीते जी। ये लोग लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आज तक चुनाव नहीं करवा पाई वहां लोकल बॉडीज के। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस है इसको जबरदस्त गेन होने वाला है इस पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में, और ये काफी इनके लिए चिंता का विषय है क्योंकि ये शरद पवार को तोड़ना चाहते थे, शरद पवार नहीं टूटे, अजीत पवार ने बहुत कोशिश की। वहां केवल दो लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत है राजीव जी, जी महाराष्ट्र में, एक तो है शरद पवार और दूसरे हैं उद्धव ठाकरे, बाकी किसी के नहीं है। और अगर प्रकाश अंबेडकर भी जुड़ जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ तो आप ये मानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है 48 सीटों का महाराष्ट्र में ये चेंज होने वाला है। और ये चेंज हो गया, उत्तर प्रदेश चेंज हो गया और बंगाल चेंज हो गया और बिहार हो गया, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक फर्क पड़ने, जो मैं बार बार कह रहा हूं इस बार के रिजल्ट मैसिव तौर पर इधर से उधर हो सकते हैं, मैसिव कह रहा हूं मैं। ये जो मेरा पूर्व का अनुमान है 220 मिलेगी इनको बीजेपी को, वो भी ध्वस्त हो सकता है। इस समय जो लहर है वो काफी अलग किस्म की चल रही है देश में, और ये अगर और बढ़ती है आगे तो ये कई चीजें, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ फैसले बाकी हैं, सबसे बड़ा फैसला ईवीएम को लेकर है जी। प्रशांत भूषण जोर दे रहे हैं कि आप ईवीएम पर फैसला चुनाव के पहले कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर टालती है, चुनाव के बाद पर टालती है और ये कहती है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, इसी पद्धति से होंगे, तो वो थोड़ा सा ब्लो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर भी, उसके कारण प्रभाव पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईवीएम के खिलाफ आ जाता है और वो जो अंदर वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको लेकर अलग से गिनती का जो मामला हो जाता है, आप पाएंगे कि पूरा का पूरा चुनाव बदल जाएगा। और इस समय लोगों की बहुत सारी उम्मीदें न्यायपालिका पर टिक गई है, खासकर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ने जो इनकी कमर तोड़ी है उसके बाद ये नया जो अभी आया है, आपने देखा ना कि किस तरह से 30 कंपनियों को उन्होंने
प्रेशराइज किया चंदे के लिए, वो पूरा का पूरा जो मामला आरटीआई के जरिए जो आया है जी, जी न्यूज लॉन्ड्री ने प्रकाशित किया, न्यूज लॉन्ड्री ने जो प्रकाशित किया वो बहुत ही, मतलब आपको एक चीज राजीव जी, पूरे आपके दर्शकों को एक कर ये भी होना चाहिए, इस समय कॉरपोरेट सेक्टर के जो मतलब अडानी अंबानी को छोड़ दें, बाकी उद्योग बहुत खुश हैं कि ये जो जबरदस्ती करके छापे डलवा के प्रेशराइज करके जो चंदा लेते थे उस पर रोक लगेगी, और वो एक बहुत बड़ा देश के विकास में बहुत बड़ा सहायक चीज होने वाली है। तो ये हम जो मानते हैं ना कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो इनके इनकी बैकबोन है, उसमें ये कुछ जो बड़े घराने हैं उनको अगर छोड़ दें तो बाकी उद्योगपति तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये सरकार जाए और कब वो देश में रियल इन्वेस्टर्स क्लाइमेट कायम। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये आप लोगों ने कल देखा ही था दोस्तों, न्यूज पॉइंट में हमने उसकी चर्चा भी की थी कि कैसे 30 कंपनियों पर दबाव डालकर उनसे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।